हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का वेलकम है मिठीज फैमिली चैनल में। तो आज हम करने वाले इस वॉलपेपर को हटाएंगे और नया वॉलपेपर लगाएंगे, क्योंकि हमने किचन में मतलब पेंट वेंट कर लिया है, पति देव ने खुद से किया है सब कुछ। तो आज हम इसको हटाकर यहाँ पर दूसरा वॉलपेपर लगाएंगे। वॉलपेपर की फुल डिटेल दूंगी, साइज कैसे कैसे आपको लेना है अपने किचन के अकॉर्डिंग, कैसे मेजरमेंट करना होगा वगैरह वगैरह, और इसको लगाना कैसे है वो भी बताऊंगी। ये वाला कितने साल चला बताओ, ये कितने साल चला हुआ? ये दो तीन साल से चल रहा है, और इसका वीडियो भी मैंने बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया, व्यूज दिया, तो मैंने कहा कि चलो इस साल फिर से चेंज करते हैं। और अभी भी इसमें कहीं पे कुछ भी खराबी नहीं आई है। बस ये देखे, यहाँ पे क्या था कि हम लोग कढ़ाई कुकर रखते थे तो ये चिपक के जल के थोड़ा सा खराब हो गया, वरना देखो वहाँ पे बर्तन भी धोते हैं, वहाँ पे एकदम क्लियर है, साफ सुथरा है, बस ऊपर से निकलने लग गया है। क्योंकि बर्तन धो, वैसे तो ये वाटरप्रूफ है, पर वहाँ पर चिपक ही नहीं रहा था ठीक से, इसलिए इसकी वजह से जल्दी निकलने लगा वहाँ से। बाकी एकदम वैसे का वैसा ही है। और इस वाले वॉलपेपर का लिंक आपको उस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, इस वॉलपेपर का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वॉलपेपर को लगाने में क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, कैसे लगाना है, वो सब वीडियो में आपको बताएंगे, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। भी खराब दीवार हो उसको हाइड करने के लिए आप वॉलपेपर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरी दीवार कैसी हो चुकी है, पहले तो ठीक थी क्योंकि इतनी दूर हमने पुट्टी करवा लिया था, जिसकी वजह से वॉलपेपर अच्छे से लग गया था, बाकी जगह पे नहीं है, यहाँ पर था, तो इस वजह से थोड़ा ठीक दिख रहा है। पर अब इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जहाँ पर वॉलपेपर फटा हुआ था वहाँ से एयर पास हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी दीवार ख़राब हो गई थी। तो अगर पुराना वॉलपेपर आपने लगा रखा है या आपकी दीवार पहले से क्लीन नहीं है, तो पहले आपको अच्छे से दीवार को क्लीन कर लेना है। अगर आप वॉलपेपर नया लगा रहे हैं, पहली बार लगा रहे हैं, तो आपको दीवार अच्छी क्लीन कर लेनी है, बिल्कुल चिकनी, कहीं भी दरदरा सा नहीं होना चाहिए। और ये प्लास्टर वाली दीवार पे लगता है, बिना प्लास्टर वाली दीवार पे नहीं लगता है। और यहाँ अब क्या करना है कि हमने दूसरी बार हम यहाँ पे वॉलपेपर लगा रहे हैं, इसलिए हमें एक चीज़ की आसानी है कि हम क्या करेंगे, इस वॉलपेपर का जो नाप है, इसी वॉलपेपर के नाप में हम नया वाला काट लेंगे और फिक्स कर देंगे, तो वो बहुत आसानी होगी, हमें नापना झुकना पड़ेगा। क्योंकि उस बार हमें बहुत परेशानी हुई थी, क्यों यार पहले कितना नापे थे हम लोग, और कहीं कहीं जगह पर तो हमने टूटा लगाया था। ये देखे यहाँ पे अलग से दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने अलग से काट काट के इसको, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये अलग से दिख रहा है ना, इसको काट काट के हम लोगों ने लगाया था, दिखता नहीं था वीडियो में, पर हमने यहाँ पे कटिंग करके लगाया था। तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी अगर आप दूसरी बार लगाए, तो इसी को नाप के ही यहाँ पे लगाइए, ठीक है। तो चलिए अब वॉलपेपर ओपन करने का टाइम आ गया है, और इसके बाद यहाँ पे लगाने का टाइम आ गया है। तो अच्छे से दीवार को साफ़ करने के बाद अब हम निकालेंगे वॉलपेपर को। वॉलपेपर अच्छे से पैक होकर आया था, आप देख सकते हैं। और इसको कैसे वॉल पे लगाना है, कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे ये आपको मिलेगा कार्ड, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से कि क्या करना है, कैसे करना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा इसको पढ़कर भी। तो ये रहा हमारा सुंदर सा वॉलपेपर का नया कलर। आपको नया वाला कैसा लग रहा है, दोनों में से कौन अच्छा है, पुराना या नया, बताना। तो क्या हुआ कि उस बार हमें काफ़ी चौड़ा वॉलपेपर मिला था, और इस बार हमें बड़ा लंबा और पतला वॉलपेपर मिल गया है। तो कोई बात नहीं, इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे, तो इसको दो बार में लगा देंगे तो आ जाएगा ये भी। हाँ बराबर, बाहर है ना। हाँ तो काट के अंदर कर देंगे बराबर से, तो ये वाइट दिखेगा ना, इसको काट के अंदर की ओर कर देंगे ना, उस बार काट के अंदर कर। तो कटिंग करने में कोई भी गड़बड़ी ना आए, इसलिए यहाँ पर पतिदेव जी पहले एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, स्केल लिया है, पेन लिया है, और पहले अच्छे से एक निशान बना लेना है, और उसके बाद उसको कट कर लेना है उसी निशान पे। तो इससे एक सीधे आपकी कटिंग होगी। और देख रहे हैं कितनी धीरे धीरे कैंची चला रहे हैं, मैंने यहाँ पर स्लो मोशन नहीं किया है, ये धीरे धीरे कैंची ही चला रहे हैं ताकि बिल्कुल भी गड़बड़ी कटिंग करने में ना आए और सफाई से लग जाए वॉलपेपर। कटिंग करने के बाद एक बार हम वॉल पर रख के चेक करेंगे कि हाँ हमने जितना नापा था बिल्कुल उतना ही आया है कि
नहीं, उसके बाद ही इसको चिपकाने का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमने नाप लिया, बिल्कुल ठीक आ रहा है जितना हमें चाहिए। और उसके बाद जो इसका स्टिकर वाला पार्ट होता है, जो पीछे से इसको स्टिक करना होता है, उसको निकाल लेंगे इस तरीके से, 1 इंच तक निकाल लेंगे दीवार में, 1 इंच तक किसी तरीके से अच्छे से चिपका लीजिए। उसके बाद ये बहुत ही ईजिली तरीके से आपके दीवार में लग जाएगा, बस आपको अच्छे से पकड़ते जाना है। एक लोग अगर अच्छे साइड से पकड़ लेंगे और दूसरे इधर से चिपकाते जाएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, और इसमें सिलवट नहीं आएगी और एयर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टाइम टिकेगा दीवार पे, मतलब सालों साल टिका रहेगा। बस दीवार में सीत नहीं आनी चाहिए पीछे से, थोड़ा बहुत सीत तो ये झेल लेता है पर बहुत ज़्यादा सीत नहीं चाहिए, और वाटरप्रूफ तो है ही है। तो पुरानी वीडियो में कुछ कमेंट्स थे कि क्या बिना प्लास्टर वाली दीवार पे, ईंट वाली दीवार पे या मिट्टी की दीवार पे ये चिपकेगा कि नहीं, तो मैंने तो ऐसा चिपकाया है नहीं बिना प्लास्टर वाली दीवार और मिट्टी वाली दीवार पे, पर इसमें लिखा हुआ है कि ये ईंट वाली दीवार पे नहीं चिपकता, मतलब इसके लिए आपको प्लास्टर, मतलब एकदम चिकनी जगह होगी तभी ये चिपकेगा। और रही बात वॉलपेपर की, या तो आप ले चुके होंगे उसको चिपकाने का तरीका ढूंढ रहे होंगे तब आप इस वीडियो पे आए होंगे, या फिर आपको वॉलपेपर लेना होगा, आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि लिया कहाँ से जाए, कैसा लिया जाए, तो बस आप आ गए हैं सही जगह पे। यशी शॉप 9907 इंस्टाग्राम स्टोर है, जहाँ जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पर आपको लाइफस्टाइल से रिलेटेड हर एक चीज़ मिल जाएगी, वॉलपेपर की कोई सी भी डिज़ाइन हो आपको यहाँ से ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप इस वाले वॉलपेपर का देंगे जो मैं लगा रही हूँ, तो आपको एग्जैक्टली यही चीज़ मिलेगा और प्राइस भी बहुत किफ़ायती रहता है। तो आप आराम से शॉपिंग कीजिए, कैश ऑन डिलीवरी फ्री शिपिंग के साथ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, और बहुत ही ट्रस्टेड पेज है, क्योंकि 3 साल पहले जब मैंने वॉलपेपर लगाया था तो मैंने वॉलपेपर यहीं से ही मंगवाया था। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं है, आपको इंस्टाग्राम चलाते नहीं आता है, तो आपको मैं यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर जो शो हो रहा है इस पर भी आप मैसेज करके आप इस वाले वॉलपेपर का स्क्रीनशॉट देके, या जैसा भी आपको चाहिए वैसा वॉलपेपर का स्क्रीनशॉट देके भी अपने घर बैठे वॉलपेपर को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल इंडिया फ्री शिपिंग है, तो आप इंडिया में कहीं पे भी रहते होंगे तो भी एक वॉलपेपर आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो बस बातों बातों में लग गया हमारा वॉलपेपर। तो पुराने और नए दोनों वॉलपेपर में से आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये देखो फाइनली हमारा वॉलपेपर जो है वो लग चुका है, और ये बहुत सुंदर लग रहा है, और ये हम तीनों हैं और हमारी फैमिली कैसी, हाँ यार इतना सब बच भी गया, ये देखो। तो यशी शॉप की एक खास बात ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा किचन बहुत बड़ा और मुझे ढेर सारा वॉलपेपर चाहिए पर अगर बच गया तो क्या करेंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसके 3-4 रोल मंगा लीजिए। आप जितने रोल लगा रहे हैं रोल पैक होना चाहिए, अगर आप 1-2 रोल लगा के 2 रोल बचा के दे भी देंगे, वापस भी कर देंगे समय रहते, मतलब 4-5 डेज में अगर आप उनको वापस भी कर देंगे तो वो वापस भी ले लेंगे। अगर एक्स्ट्रा है तो आप क्या करोगे, रख के किचन का वॉलपेपर आप कहीं और यूज़ भी नहीं कर सकते। तो मुझे इनकी खास बात बहुत ये अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि आपको बता देते हैं। और यहाँ पे एक नंबर चल रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है उनका, तो आप वहां पर जाके इसको परचेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वॉलपेपर और भी बहुत सारे डेकोर के आइटम आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, गुड नाइट। अब मुझे खाना भी बनाना है यार, वॉलपेपर लग गया, बहुत लेट नाइट हम लोग शूट किए हैं और अब हम लोग आलू के पराठे बना के खाएंगे। तो आप हमारे और भी ब्लॉग्स मिस मत करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। पिछले वॉलपेपर की वीडियो ये रही।